विशाला के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में वार्षिकोत्सव व भामाशाह सम्मान समारोह का हुआ आयोजन। साइला उपखंड क्षेत्र के विशाला कस्बे में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में सोमवार को वार्षिकोत्सव व प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन पूर्व विधायक रामलाल मेघवाल के मुख्य आतिथ्य व प्रधानाचार्य किशोर सिंह राज पुरोहित की अध्यक्षता में आयोजित हुआ। बतौर विशिष्ट अतिथि के नाते पंचायत समिति सदस्य मफरी कंवर, एडवोकेट बाबूलाल, उप सरपंच जोरजी राज पुरोहित, वरद सिंह, जिला परिषद सदस्य प्रतिनिधि वचनाराम पांथेड़ी, सरपंच प्रतिनिधि चतराराम उनड़ी, सरपंच प्रतिनिधि पिंटू सिंह मौजूद रहे। अतिथियों ने मां शारदे के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर समारोह का शुभारंभ किया। कार्यक्रम के दौरान पूर्व विधायक ने विद्यार्थियों को मेहनत कर आगे बढ़ने की बात कही। एडवोकेट बाबूलाल ने संबोधित करते हुए कहा कि विद्यार्थी लगन से पढ़ाई कर गाँव विद्यालय व परिवार का नाम रोशन करें। इस दौरान वरद सिंह पाथेड़ी ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया। कार्यक्रम में भामाशाहों का सम्मान किया गया व दसवीं के विद्यार्थियों का आशीर्वाद समारोह भी आयोजित हुआ। कार्यक्रम के अंत में विद्यालय प्रधानाचार्य किशोर सिंह राज पुरोहित ने सभी का आभार व्यक्त किया। इस मौके सैकड़ों की संख्या में लोग उपस्थित थे। भरपूर खुले आम एकदम खुले दिल से इन्होंने सहयोग किया, उसके लिए आपका स्कूल प्रशासन और मैं भी आप सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और धन्यवाद देता हूं कि आप इस स्कूल के लिए सदैव ऐसा ही सहयोग करते रहे। मुझे इस मन से कहते हुए बड़ा गर्व हो रहा कि इस स्कूल में जब चुनाव 2013 के बाद आए थे तो ये स्कूल 8वीं तक था और इस ग्राम वालों की बड़ी इच्छा थी कि ये स्कूल 10वीं तक कर्मोन्नत हो गए। वरद सिंह जी जब भी मिलते थे तो ये भी जरूर कहते थे कि मेरा भी ससुराल है, अगर ये स्कूल 10वीं तक हो जाए तो मुझे भी गांव वाले ज्यादा सहयोग और स्नेह करेंगे और प्रेम करेंगे कि हमारे गांव के जमाई साहब ने बड़ा सहयोग किया और ये स्कूल 10वीं तक हो गई। तो आप सब लोगों के सहयोग से इस स्कूल को 10वीं तक कर्मोन्नत किया था और उसके बाद में इसका ओपनिंग भी हुआ था और अब इस सरकार ने शायद पूरे राजस्थान में जो 10वीं तक स्कूलें थी वो सभी सीनियर स्कूलों में कर्मोन्नत किया है। और मैं इस स्कूल के स्टाफ गणों को और प्रिंसिपल साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने यहां आयोजन के लिए और पढ़ाई के क्षेत्र में इस विशाला गांव का नाम बहुत आगे आता है, क्योंकि यहां का जो अनुशासन देखने को मिलता है और लगता है कि बच्चे बड़े व्यवस्थित तरीके से बैठे हैं, अनुशासन में बैठे हैं और स्टाफ भी उनको व्यवस्थित तरीके से जो शिक्षा देता है उसका एक देखने को मिलता है कि गांव वाले भी आपके इस स्टाफ पर बड़े प्रसन्न होंगे कि हमें हमारे स्कूल में जितने भी जो अध्यापक गण हैं वो बच्चों को बड़ी व्यवस्थित तरीके से शिक्षा देते हैं। इस स्कूल से जो भी 10वीं तक से जो विद्यालय जो विद्यार्थी यहाँ से जो पढ़ के जा रहे हैं, मैं आशा करता हूँ कि आप आगे जो 11th के लिए जो जाएंगे यहाँ के जरूर स्कूल का नाम आप रोशन करोगे और अच्छी पढ़ाई करके अच्छे मार्क जो लाओगे तो जरूर इस विद्यालय का नाम और इस गांव वालों का नाम भी आप आगे रोशन करोगे। और अभी जो ये सम्मानित हुए थे इस विद्यालय में जो पढ़ के गए थे पुराने जो स्टूडेंट थे उनको भी सम्मानित किया तो बड़ा अच्छा लगा कि यहाँ से पढ़ने वालों का भी सम्मान होता है। तो शायद यहाँ से जो आप अभी विदाई समारोह ले रहे हैं तो शायद आप भी कुछ बड़े अधिकारी बनो और फिर इस स्कूल में वापस वार्षिकोत्सव तुम पधारो तो आपका जो स्कूल का स्टाफ आपका स्वागत करेगा तो आपको बड़ी प्रसन्नता होगी कि मैं भी इस विद्यालय में पढ़ के गया था।